बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा रेखा को लेकर अक्सर चर्चाओं का केंद्र बना ही रहता है। भले ही आज वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हों, लेकिन सबके बावजूद रेखा के स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। रेखा के नाम का कहीं पर भी जिक्र किया जाता है तो उनको लेकर कई सारी बातें उभर कर सामने आ ही जाती हैं। भले ही वो अब फिल्मों से लाइमलाइट नहीं बटोर रही हैं, लेकिन उनकी पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से ही विवादों भरी रही है। रेखा का चाहे लव अफेयर की बात कर लें या फिर कुछ और, हमेशा से ही रेखा बॉलीवुड की जानी मानी और कॉन्ट्रोवर्शियल अभिनेत्रियों में से एक मानी गई है। अफेयर्स की तरफ नजर डालें तो रेखा का नाम कई सारे अभिनेताओं के साथ जुड़ा। सबसे पहले अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन को लेकर रेखा बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही। एक वक्त ऐसा भी आया जब रेखा अमिताभ बच्चन के प्यार में पागल थी। बताया जाता है कि दो अनजाने फिल्म की शूटिंग के दौरान रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के करीब आए थे। तब तक अमिताभ बच्चन शादीशुदा हो चुके थे, लेकिन अमिताभ बच्चन को रेखा कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि आने वाले समय में कुछ ऐसा हुआ कि रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे से अलग हो गए। वेल दोस्तों, रेखा अमिताभ बच्चन को छोड़ने के बाद काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी आई और रेखा की जिंदगी में कई सारे लोग भी आए। इसी कड़ी में हम बात करना चाहेंगे विनोद मेहरा की, जिन्होंने रेखा को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। अब विनोद मेहरा और रेखा के अफेयर की भी खूब चर्चा होती रही है। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी, लेकिन विनोद मेहरा की माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और उन्होंने रेखा को अपनी बहू मानने से साफ इनकार कर दिया था। खबरों में ये भी बताया गया था कि विनोद मेहरा की मां इतनी ज्यादा नाराज हो गई थी कि उन्होंने रेखा पर चप्पल भी फेंकी थी। हालांकि विनोद मेहरा ने रेखा से शादी की थी या फिर नहीं, इस पर रेखा नहीं और ना ही विनोद मेहरा ने कोई भी बयान नहीं दिया, लेकिन विनोद मेहरा की बेटी और एक्ट्रेस सोनिया मेहरा ने इस बारे में खुलकर अपनी बात रखी थी। रेखा से विनोद मेहरा का क्या और कैसा रिश्ता था, इस पर सोनिया ने काफी कुछ कहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया को एक दिए इंटरव्यू के दौरान विनोद मेहरा की बेटी सोनिया मेहरा ने कहा था कि इस सवाल पर मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ कि उन्होंने शादी की थी या फिर नहीं, क्योंकि इस बारे में मैं नहीं जानती। ये सब बातें तब की हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मैं जब 1.5 साल की थी तब वो गुजर गए थे। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इस बारे में कोई भी कमेंट भी करूं। मेरे हिसाब से दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त थे। हालांकि इसी इंटरव्यू के दौरान सोनिया मेहरा आगे बताती हैं कि मैं रेखा जी से 3-4 बार मिली हूँ। हम दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो उत्साह से एक दूसरे के गले लग गए थे। कई बार हम सोशल फंक्शन में भी मिले। वो ऐसी महिला है जो कि बहुत खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है। उन जैसी किसी भी महिला से आज तक मैं नहीं मिली। तो इस तरह रेखा की शादी पर विनोद मेहरा की बेटी सोनिया मेहरा ने कुछ इस प्रकार का जवाब दिया था। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक विनोद मेहरा और रेखा ने चोरी छिपे शादी कर ली थी और शादी करने के बाद रेखा को अपने घर ले गए थे, तब उनकी माँ ने इस शादी को स्वीकार नहीं किया था। एक इंटरव्यू में खुद रेखा ने भी इस बात का जिक्र किया था कि विनोद मेहरा की माँ उन्हें अच्छा नहीं मानती थी। अब जाहिर सी बात है, रेखा की शादी तो हो गई थी, लेकिन विनोद मेहरा के घर वालों ने उन्हें अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था और इससे रेखा को भी बड़ा झटका लगा। लेकिन आने वाले समय में रेखा का नाम और भी कई बड़े सुपरस्टारों के साथ जुड़ा। संजय दत्त से लेकर अक्षय कुमार के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया।